तीन चार लोग गाड़ी में एक डॉग को लेके आए ना, एक्सीडेंट हुआ था। ये डॉग बाजार में घूम रहा था ना ऐसी सीट के सीट के, हम गाड़ी वाले हैं, ये टीचर है हमारे, तो हमने देखा। तो गलती से होगा, शाम के टाइम मैं तो था नहीं वहाँ पे, तो वो गाड़ी है तो वहाँ पे इसको फ्रैक्चर कर दिया। एक हफ्ते बाद मिला आप ना, फिर हम ढूंढते रहे उसको कहाँ गई वो, तो ये वहाँ पे 4-5 दिन के बाद निकली आज मिली आज। फिर हम लोकल वेटरनरी हॉस्पिटल को हम चले गए, उन्होंने माड़ा मोटा जो है उसका ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड दी। फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एनजीओ है, एनजीओ है वहाँ पर जाओ आप, तो हम तो इतना कर सकते थे, चलो यहाँ ले आने का काम किया ना, इंसानियत के नाते जब जानवर तड़प रहा था, चलो हम देखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, चलो समाज सेवा सर। टांग तो कटेगी ना इसकी, चलो आप कैसे मर्जी करो यार, इसका नहीं देखा जाता सर। बच्चे ले जाने तो ले जाते हैं कुत्तों को, फिर कुत्ती को छोड़ जाते हैं ना। चूल्हा देखे मैंने दोनों साइड का ना, ठीक है, तो चूल्हा तो ठीक लग रहा है, पर एक साइड स्वेलिंग ज्यादा है ना, तो सर ज्यादा देख नहीं पाया मैं, दूसरी साइड तो ठीक है, एक साइड की टांग तो कटेगी, पर जो ये वाला है ना इस पे भी अब दर्द इसको काफी है, तो इसलिए थोड़ा बाहर कम ले पा रही, पर ले रही है। और यहाँ पे सर जो रीढ़ की हड्डी है इस पे भी थोड़ा सा दबाव है यहाँ पे, तो उस दबाव से ये आगे चल के बैठ भी सकती है, ठीक हो जाएगी ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्पाइन वाली दिक्कत नहीं आई इसको आगे चल के, क्योंकि दबाव है ना स्पाइन में, तो उस वजह से सुनपन आ जाता है टांगों में, फिर वेट नहीं ले पाता जानवर ना, तो अगर वो दिक्कत नहीं आई आगे चल के तो ये रिकवर कर जाएगी, अगर वो आई तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। अभी परमात्मा डाल गई है हमारा, ऐसी बात नहीं है। सर से बात कराता हूँ, नहीं है यहाँ पे, फोन लगा के पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा था, हमारे पास स्पेस नहीं है ना, तो मेरी, हाँ जी, तो मेरी फटाफट जो फटाफट है उसके ओनर से, वो जो कॉलर था उससे बात हुई थी, वो रिलीज करके फिर इसको उसकी जगह पे ले सकते हैं। हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो अभी केज में रहने देते, फिर लग गया है, एंटीबायोटिक भी लग गया होगा, इंटरसेप्ट दे दिया होगा, फिर इंटरसेप्ट हम रखेंगे नहीं इसको। क्यों उन्होंने दिया होगा डॉक्टर? तो इंग्लिश पठानिया के पास गए थे, उन्होंने यही रेफरेंस दिया। हमारे एक सुपर सीनियर हैं जो कोटला में है, कोटला वेटरनरी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया है अभी, तो वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने हमारे पास रेफर किया। और ऐसा इसलिए, चाहे जितने भी काबिल वेट्स हों, सरकारी क्लिनिक्स में कोई रिकवरी सेंटर नहीं है, तो सीरियस से सीरियस केस को भी वो एक ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं, उसके बाद उनके पास उसको वहाँ पर रख के उपचार करने की कोई फैसिलिटी है ही नहीं। रेस्पिरेशन भी फास्ट है, खींच तो पूरा रही है, पर मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी है। सर्वाइव कर जाएगा सर ये? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये देखिए, दिखा कुछ आपको? बहुत ज़्यादा है सर, उन्होंने तो मैगेट निकाल दिए थे ना। हाँ ऊपर वाले निकाल दिए होंगे, नीचे वाले रह गए होंगे उनसे तो। सर इसे तो टांगी अलग हो रखी हैं पूरी, एम्पूटेशन तो मोस्ट प्रोबेबली एम्पूटेशन है, पर नेवर नो इन बिटवीन। मैं तो सब फ्लश कर रहा हूँ एक बार इन्फेक्शन के लिए। रेटिलरी में भी है? हाँ जी। हाँ ऊपर स्किन पे इसकी ऑयल लगा देते हैं जो पपड़ी है इसके आगे। कौन सा ऑयल सर? कोकोनट। और इसको हम फ्लूइड क्यों दे रहे हैं? डिहाइड्रेटेड और फीवर भी है ना, मेडिसिन डाल देते हैं ताकि जो छोटे छोटे मैगेट हैं मर जाए। बस इसमें ले गए बछड़ा, क्या हुआ क्या सेल भाई? परौर में मेरे को कॉल आया था, मैंने सुबह देखा तो ये कटा हुआ था, ब्लड रुक नहीं रहा था ना, ब्लीडिंग हो रही थी, पूरी टांग उनसे भर गई थी। तो अभी कैसे रुकी ब्लीडिंग? आपने कुछ जुगाड़ करा? टेक्सा ब्लेड दिया मैंने, टेक्सा ब्लेड और पेन किलर। ये तार का यहाँ पे भी नीचे निशान, ये तार का लग रहा है, तार से कटा हुआ है ना, स्क्रैच नहीं है ना, बहुत ही फाइन कट किया है, दो कट है ना नीचे है ना, नहीं वो है तार वाला ही, तार का है ना, और कहीं अगर डॉग का होता तो डॉग का ना, तार का तार का है। चल भाई गाड़ी में ले आए? हां इसी में ले आए, दिक्कत नहीं हुई लोड करने में? नहीं आगे थी आराम से पकड़। हाँ लोग थे ना वहाँ पे तो हेल्प कर दिया। बूंद ऐसे लग रहा है कि किस चीज से कटा हुआ है, डॉग बाइट तो मुझे नहीं लग रही है, अब हो सकता है तार से कटा हो या पतरे से कटा हो, तो उसमें मैगेट्स पड़े हुए हैं, दो बूंद से एक बड़ा एक छोटा, दोनों मैगेट्स डीप है, नेक्रोसिस बहुत ज्यादा है। अभी हम उसको पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे, प्लस हमने उसके अच्छे से फ्लशिंग करके डेली हम ड्रेसिंग करेंगे,
और इसको क्लॉथ ड्रेप करेंगे ताकि उस पर और मक्खियाँ ना बैठे। किसके लिए होगी आगे बस ये कपड़ा डाल के पागल हो गए सर। तेरी भलाई के लिए कर रहे लड़की, हम अपने लिए कर रहे हैं है? तो सर हम इसको स्विचेस मार के पैक क्यों नहीं कर रहे? वुंड पुराना है, अंदर मैगेट्स है, हम स्विचेस मार के पैक कैसे करेंगे? नहीं मतलब जैसे मैगेट्स निकाल दें एक बार उसके बाद हम मारेंगे? वो डिब्राइडमेंट पूरी नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि डेड टिश्यू भी है, डेड टिश्यू हमेशा पूरा नहीं निकलता। जिस दिन कटा होता है उसी दिन आ जाता तो हम स्विचेस करके इसको ठीक कर सकते थे, पर ये बहुत डिले हो चुका है प्रोसेस। फटाफट के अच्छे से शॉट ले लेंगे, फटाफट जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं। ये वापस जा रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा, हाँ रिलीज ही हो रहा है अभी। अच्छा। इसका जो आगे का ट्यूमर का ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू करेंगे टीटन शीट पे। ए फटाफट बाय बाय कर दे, बाय करें इनको। पहचान लिया इसने, पहचान लिया इसने। फटाफट यहाँ पे आया था दो चोटों के साथ, एक जो उसकी टेस्टिकल्स पे थी और दूसरी जो उसकी थाई पे थी। जब उसकी टेस्टिकल्स वाली चोट ठीक होना शुरू हुई तो हमें पता लगा कि वो एक्चुअली में एक ट्यूमर था जो कि फट गया था, और उसके ट्यूमर का इलाज हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था, और बाकी के विनक्रिस्टीन के इंजेक्शन इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे लगेंगे। ऐसे काफी खुश है। क्या परेशान करता था क्या ये? नहीं नहीं तो है तो फ्रेंडली है, नहीं करता, फ्रेंडली था? नहीं करता है। रेडियो के साथ नहीं पट्टी नहीं इसकी? रेडियो के साथ? हाँ उसके साथ नहीं, उसके साथ तो ऐसा हो जाए कि पंगा हो जाए बस। पीछे वाले टीट से पस निकल रही, हो सकता है कि वो जो टेस्टिकल का इन्फेक्शन है वो वहाँ माइग्रेट कर गया हो, बट अभी निकाल दिया है, क्लीनिंग भी कर दी है, ऑइंटमेंट भी लगा दी है, और इंट्रामेमोरी इन्फ्यूजन भी कर दिया ताकि अगर कोई इन्फेक्शन होगा अंदर तो वो ख़त्म हो जाए। कैप्टन को ज्वाली से रेस्क्यू किया गया था, वहाँ से कुछ लोग इसे यहाँ लेकर आए थे। इसकी एक आँख में काफ़ी सीवियर मैगेट वुंड था और बहुत ज़्यादा डीप है। और ये क्या निकला इतना सारा इसका? डेड टिश्यू विद ब्लड क्लॉट्स। क्या लगा सर आप होगी इसकी? नहीं होगी, उम्मीद बहुत ही कम है आँख होने की। जब तक थोड़ी सी और स्वेलिंग डाउन नहीं होती, थोड़ी सी मैगेट्स से मूव नहीं होंगे, नहीं पता चलेगा। मैगेट्स तो मारने पड़ेंगे ना, तो और अंदर अंदर दस्त जाएंगे। ब्रेन जिसकी स्किन कंडीशन हम दो बार ही ठीक कर चुके थे और दूसरी बार सड़क पर रिलीज करने की बजाय उसको एक घर मिल गया था, अब उसके साथ एक नई समस्या हो गई और जो कि शायद हमारी खड़ी की गई थी। और भैया कहाँ पर है ब्रेन? ब्रेन बस अंदर बैठा हुआ है। मन लग गया उसका? मन तो लग गया, इसके लिए बेड वुड बना के रखा होते ब्रेन। अगर कोई घर से कोई चल जाएगा ना, पीछे से भोंगना शुरू कर देगा, रोने लग पड़ेगा। मम्मी जा रहे हैं बाजार, रोने लग पड़ेगा पीछे से, तो मैं इसको घुमाने ले जाता हूँ फिर बाहर। हाँ। जब तब बैठ के चुप हो जाता है। अच्छा ये है, यहाँ से मैं बायोप्सी का सैंपल लिया था ना सर, स्टूल्स हल्के हल्के आ गए हैं दाने से, दाने जो रखे हैं। तो स्किन की कंडीशन दोबारा कर रही है? हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके एंटीबायोटिक तो शुरू कर दिए, जो नीचे जैसे देख रहे हो ना पस वगैरह, छोटे छोटे पस शूल्स बनने लग गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। बाकी ऑइंटमेंट तो लगा ही रहे, डेली लगा रहे। ठीक है भैया, इसका ध्यान रखना अच्छे से ना, कोई भी दिक्कत आती है फ़ोन कर देना, मैं कर दूंगा आपको। हाँ जी भैया। मसूरी जब 1.5 महीने की थी तब रॉबिन सर उसको रेस्क्यू करके लाए थे और ये बिल्कुल हेल्दी थी। 15 दिन में इसका अडॉप्शन हो गया था और अडॉप्शन के बाद करीब करीब 2-3 महीने बाद इसको स्किन कंडीशन शुरू हो गई थी और यहाँ पर से इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी। फिर जब ये ठीक होकर गई उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर इसको स्किन कंडीशन हुई, उसके बाद फिर यहाँ से ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर तीसरी बार जब इसको स्किन कंडीशन हुई तब हमने इसको फिर यहाँ पर एडमिट कर लिया और एडमिट होने के 1-1.5 महीने बाद ये हील होके वापस चली गई। बिल्कुल उसका फर पूरा वापस आ गया था, बस एक जगह पैच रह गया था। करीब करीब अब 1 साल बाद हमारे पास वापस आई है। अली नो क्या हुआ भैया इसको? स्किन इन्फेक्शन हुआ है ना। कैसे? अब पता नहीं, इसको शुरू से जब ये छोटी थी 3-4 महीने तक तो ठीक था, जैसे इसकी हाइट इंक्रीज हुई, ग्रोथ बढ़ी, उसके बाद से वैसे ही है पिछले 1 साल से। इसके पंजे भी अजीब से हो रखे हैं भैया। पंजे सब स्किन फोल्ड हो रखी है ना इसकी, देखो पर सब स्किन ढीली पड़ गई स्किन इसकी। और ये जो नाक के ऊपर है सब इसको इचिंग हुई है नाक, ये पंजा लगाती है ऊपर, तो उसी वजह से ये हो गया। ये तुम्हारे पीछे कौन है? ये मसूरी है? हाँ जी सर। फिर इसकी तो बिल्कुल ठीक हो गई थी ना ये? बिल्कुल, इसके 2 पैच थे, एक यहाँ थोड़ा सा पैच था, एक यहाँ था। तो फिर ये कितनी दिनों पहले हुआ है इसको ये प्रॉब्लम? इसको मतलब बीच में ठीक हो जाती है फिर से रिलैप्स हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम ये तो जैसे ही छोटा सा पैच हुआ आए नहीं दिखाने? नहीं मैं आता रहता था सबके पास, यहाँ पे ना मेडिकेशन वगैरह हुई यहाँ पे। लास्ट कब आई सर ये? मुझे नहीं याद है। 8 महीने से मेडिकेशन पे ही है, एंटीबायोटिक्स,
आइवरमेक्टिन सब कुछ दे रखा है। किसने ये प्रिस्क्राइब किया? जो भी बेड्स वगैरह थे ना, जिससे हमने एडवाइस किया था, बाहर से एडवाइस ले रहे थे सब। नहीं 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 सर, लेकर जाके जो आपके यहाँ अरजोल में है, फिर उससे जब यही क्यों नहीं दे रहे सर? मैं यहाँ काफ़ी बार लेके आया था, रिजल्ट्स वगैरह फोन दे रहे थे। हमारे यहाँ से ठीक होकर नहीं गई थी आप सर? ठीक होकर तो गई थी, फिर रिजल्ट तो क्या, ठीक होकर तो गई थी, बट यहाँ यहाँ से ठीक होके गई। फिर जब प्रॉब्लम आई, फिर आप इसको रजोल क्यों ले गए, यहाँ क्यों नहीं लेके आए? सर रजोल अब ऐसा है ना कि इसके जो स्किन का था ना, प्रॉपर हील नहीं हो पा रही थी, इसे बार बार वही वैसे रिलैप्स हो रही थी। अब फिर इसे आइवरमेक्टिन, मतलब इसलिए रिलैप्स हो रही है कि डाइट में प्रॉब्लम है इसकी? सर डाइट तो बिल्कुल अभी इसकी ओके है, डाइट में कोई इशू नहीं है। कितनी स्किनी है? स्किन का ही, इसका जो है ना स्किन वो इतनी पतली है, डाइट में चक्कर है, इसकी इम्यूनिटी इसकी खत्म है, क्योंकि ये माइट्स जो हैं ये तो हर कुत्ते के होते हैं, ये तो इनफैक्ट हमारे आपके फेस पे भी होते हैं, पर वो तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी, इसलिए इसको ये हो गया। इसका एक KFT करा लो, पता चले आइवरमेक्टिन दे देंगे उसका। हाँ वो तो मैंने अभी सर को बोला है कि मेडिकेशन इतना यूज हुआ है इसके ऊपर, तो हम लोग एक बार पहले टेस्ट भी करेंगे और टॉपिकल पे ज्यादा फोकस। और कुछ नहीं, कम से कम सिट्राजीन, तो सिट्राजीन देंगे तो खुजली नहीं होगी, उसको खुजली हो रही है तो ही उसने अपना मुंह पूरा नोच लिया। इसको पता लग गया जा रहे समय तो काफी है। तो इस बार फिर हमने इसको एडमिट किया है और अभी हम इसकी स्किन कंडीशन पे ही वर्क करेंगे फिर से, लेकिन हम रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे और बाकी हेल्थ इश्यूज का भी प्रॉपरली ध्यान रखा जाए। हाँ रखेंगे रखेंगे, बहुत सुंदर है ये वैसे। अब इतना सब कुछ यहाँ पे होता है और सब कुछ तो हम आपको दिखा भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक फनी बात होती है। कई बार मैं सड़क पे होता हूँ, लोग मुझे शक्ल से आवाज से पहचान लेते हैं, फिर कहेंगे रॉबिन सर या पीपल फार्म, लेकिन उनमें से चंद लोग अपने साथ जो होता है उसको पलट के कहेंगे कि ये यूट्यूबर है। तो मुझे लगा मुझे एक बात दोहरानी चाहिए। देखिए हम लोग एक एनिमल रेस्क्यू और अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वीडियोज बनाने का हमारा मुद्दा ये है कि भाई हम लोगों को याद दिला सकें कि जानवरों को भी दर्द होता है। फिर आप में से कई लोग प्रेरित होके जानवरों की मदद करना शुरू कर देते हैं, या कम से कम जानवरों को नुकसान पहुंचाना तो बंद कर देते हैं। तो YouTube हमारा एक माध्यम है, मुद्दा नहीं। राजेश जी क्या देख रहे हो? एक्चुअली क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, नवीन ने एक फोटो भेजी, वो देख रही हूं। क्या फोटो भेजी है? आप ही देख ही लो अगर आपको देखनी है तो। बाबे का रिश्ता हो गया? बाबा की बाबी होनी है। ये देखो बेला, ये क्या, ये तो एक दूसरे से नजर ही नहीं मिला रहे हैं। दीदी फोटो खींच रही है ना, तो नजरें तो कैमरे से मिलाएंगे ना। अरे तो फिर भी ये तो ऐसे बैठे हैं, देखो बेला। तो ऐसे ही बैठते हैं, अभी नया नया हुआ है। हे भगवान। चुप रहो, तुम मेरे को भड़का रहे हो काम से। ए देखो एक तो बलि चढ़ गया ना आपका लड़का। क्या हो गया नवीन का आज, वो रिश्ता हो गया? वाह रे, एक बड़ी जो ये नवीन है, इतना शरीफ से कैसे लग रहा है? और तो इसकी वाइफ रेस्क्यू नहीं करने देगी, इसको मना करेगी। नॉट बैड, क्या हो रहा है? वाह यार, अरेंज मैरिज है? हाँ अरेंज मैरिज ही होती है। आपकी तो लव मैरिज हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज हुई है। झूठ बोल रहे हो? आप इतने समझे? ए देखो आपको लग नहीं रहा अरेंज मैरिज, इतना भी तो ऐसे करके बैठने पड़ता है सर को क्या?